श्रीकांत की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी जानकर हैरान हो जाएंगे आप। आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि गालीबाज श्रीकांत की गिरफ्तारी की कहानी कि कैसे वो पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था। पहले श्रीकांत जिस गाड़ी में घूम रहा था बार बार फरार हो रहा था, वो गाड़ी देखिए। इस गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा है और गाड़ी पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। अब सवाल ये कि विधायक का स्टिकर गालीबाज श्रीकांत को किसने दिया और कौन है वो नेता जिसकी मदद की आस में त्यागी कभी दिल्ली एयरपोर्ट भाग रहा था तो कभी मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश के चक्कर लगा रहा था। इस पूरी कहानी को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि त्यागी की गिरफ्तारी इतना आसान नहीं थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ था जी? खबर ये है कि एक आईपीएस पहुंचा सुबह श्रीकांत के घर, रात में फोन बजा और दिन में गिरफ्तारी हो गई। और हाँ, सवाल ये भी कि क्या वाकई श्रीकांत की पत्नी ने अपना सुहाग बचाने के लिए राज खोला था? क्या इस बात का डर श्रीकांत की पत्नी को था कि कहीं इस बार श्रीकांत की गाड़ी ना पलट जाए? मगर सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसकी गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें लगी थी। जब गालीबाज श्रीकांत गिरफ्तार हुआ तो उसके साथ उसके 3 साथी थे, राहुल, संजय और नुकुल त्यागी। मगर कुछ सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये कि सब जानते हैं कि त्यागी के सर पर कुछ नेताओं का हाथ था, वो नेता कौन थे? त्यागी की गाड़ी पर विधायक का स्टिकर कैसे लगा था? आखिर इसकी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा क्यों लगा था? जब बीजेपी स्टिकर वाली गाड़ी को सीसीटीवी में देखा गया तो गाड़ी के नंबर से उसे क्यों नहीं पहचाना गया? पहले इन सवालों का जवाब खुद पुलिस की जुबानी सुनिए। आलोक सिंह, कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, क्या कहते हैं सुनिए जरा। एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था, समय समय पर टेक्निकल सर्वेलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोश व खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब ये भी जान लीजिए, जब वीडियो वायरल हुआ तो श्रीकांत किस किस तरफ भागा? वो सबसे पहले बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से उसने लखनऊ जाने का मन बनाया और वो वहां अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में जाना चाहता था। लेकिन जब वहां से मदद की उम्मीद बेईमानी लगी तो उसने प्लान को बदल लिया, फिर वो मेरठ की तरफ बढ़ा। मगर खतरे की आहट महसूस हुई तो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में भटकता रहा और फिर वापस मेरठ में आ गया, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई। और इस दौरान उसने 2 बार अपनी गाड़ी को बदला और मोबाइल भी। श्रीकांत की 5 गाड़ियां भी जब्त हुई हैं, 2 फॉर्चूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक। और हाँ, हम सभी गाड़ियों के नंबर भी आपको दिखाते हैं। VIP थे ये नंबर, यानी 001 वाले, और हर नंबर 110,000 रुपए में खरीदा गया था। और खुलासा हुआ है कि ये विधायक के स्टिकर किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। चलिए इस दिलचस्प गिरफ्तारी की कहानी अब आपको बताते हैं। वैसे ये साफ था कि अगर श्रीकांत सरेंडर कर देता यूपी पुलिस की नाक कट जाती। इसलिए कहते हैं कि चोर पुलिस के खेल में एंट्री होती है विकास दुबे के किस्से की। जी हाँ, सूत्र बताते हैं कि त्यागी की पत्नी और वकील से कह दिया गया था कि अगर वो पुलिस की मदद नहीं करेगा तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। ऊपर से आदेश आ चुके हैं, कोई बचा नहीं पाएगा, हो सकता है कि गाड़ी भी पलट जाए जैसे विकास दुबे की पलटी थी। खबर है ये बात सुनकर पत्नी के पैरों तले जमीन निकल गई और वो टूट गई। सवाल तो ये भी था कि एक तरफ तो 8 टीमें छापा मार रही थी, फिर त्यागी की पत्नी पर दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर अपराधी को सजा देने का नियम है तो पत्नी को 2 बार थाने में बिठाना क्या सही है? योगी के डर से थर थर कांप रहे पुलिस वालों को गिरफ्तारी का इनाम तो मिल गया, मगर सच्चाई क्या है? दरअसल जब पुलिस को लगा कि हाथ खाली है तो फिर पुलिस के सामने आखिरी विकल्प कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत की पत्नी ही बची थी।
सूत्र बताते हैं कि मंगलवार की सुबह एक अधिकारी श्रीकांत के घर पहुंचा। वो अधिकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक बड़े पद पर है, जिन्हें इस केस की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब श्रीकांत त्यागी के घर पर समझाने से बात नहीं बनी तो त्यागी की पत्नी को हिरासत में लिया, और फिर जब पत्नी ने मुंह खोला तो उसके बाद बड़ी लीड मिल गई। चर्चाएं तो ये भी हैं कि अगर पत्नी मुंह ना खोलती तो नोएडा पुलिस त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पाती, वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता, और अगर ऐसा होता तो पुलिस की जमकर फजीहत हो जाती। यानी योगी का डर पुलिस पर था और पुलिस ने त्यागी की पत्नी पर दबाव बनाया, और नतीजा ये हुआ कि त्यागी गिरफ्तार हो गया। खैर, वैसे तो अभी कई सवालों के जवाब आना बाकी है। सवाल ये कि त्यागी को बचाने वाले नेताओं के नाम पुलिस ने क्यों नहीं कबूल किए, और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और सवाल ये भी कि जो सख्ती त्यागी की पत्नी पर दिखाई गई, अब उन नेताओं पर भी होगी जो त्यागी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात साफ है कि योगी गुस्से में थे, नाराज थे, और ऐसे में नोएडा पुलिस के पास भी एक ही चारा बचा था, और वो था त्यागी की पत्नी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।